असलमेकम वेलकम टू जी एफ एक्स मैंट मैं आपका टीचर इमरान और आज आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी की एक और क्लास लेकर आ गया हूँ पहले पास्ट में कई सारी क्लासेस ली थी जो कि ग्राफिक डिज़ाइन एलिमेंट्स पर थी और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर जल्दी से शुरू करा दें ऑफकोर्स कराना था यार क्यों नहीं कराता तो आज हम देखेंगे बैलेंस यानि इस्पेशली सीमेट्रिकल और ए बैलेंस ये सब क्या होते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं राइट वेलकम बैक्सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस मैं आपको बताऊँ कि क्या चीज़ है बैलेंस बिल्कुल वैसे है जैसे आप uh, दो चीज़ों को एक प्लेन पर रख दें जैसे सी सॉप ने देखा होगा बच्चे सी सॉप पर बैठते हैं एक बच्चा इस तरफ बैठा हुआ तर है एक बच्चा इस तरफ बैठा हुआ है दोनों आपस में बैलेंस होते हैं और वो झूल रहे होते हैं ना uh, इसी तरह से अगर आप अपने बॉडी को देखें तो आप भी बैलेंस्ड हैं अगर आप बैलेंस ना हो तो आप खड़े नहीं रह पाएंगे आप चल भी नहीं पाएंगे ठीक उसी तरह से आपका डिज़ाइन अगर बैलेंस ना हो तो वो नहीं टिक पाएगा तो सबसे पहले आपको मैं समझाऊंगा कि सिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है या सिमेट्री क्या चीज़ होती है ना सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो कुछ आपके सामने डिजाइंस आपके सा, दिख रहे हैं अगर आप ये वाला देखें पहले वाला डिज़ाइन ये है आपका सिमेट्रिकल बैलेंस ठीक है ना सिमेट्रिकल बैलेंस में ये होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो जो लेफ़्ट पर है जैसी वैसी ही राइट right पर है ना ज़रूरी नहीं कि ये हॉरिज़ॉन्टल एक्सेस पर हो ये वर्टिकली भी हो सकती हैं ठीक है ना इसी की दूसरी एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो ये भी एक सिमेट्री है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स साइड बाय साइड एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और दो ऑब्जेक्ट ऊपर और नीचे यानी वाई एक्सेस पर आप को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं ये यूजुअली कहलाती है बाय एक्सेस सिमेट्री यानी दो एक्सेस पर एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस दोनों पर बैलेंस्ड है तीसरा वाला जो इमेज है इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है मिरर सिमेट्री ना वट इज मिरर सिमेट्री यानी अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ लेफ्ट की तरफ मूव करके है तो दूसरा ऑब्जेक्ट राइट की तरफ यानी टोटली रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है सो so, इस तरह की जो मिरर सेमिट्री है ये नेचर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है मिसाल के तौर पर हमारा अपना फेस हमारी अपनी बॉडी अगर मेरा एक हाथ यहाँ है तो एक हाथियाँ है और दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है राइट सो सिमिलरली बर्ड्स देख लें और बटरफ्लाइज़ देख लें सही है वो अगर एक तरफ यूँ है तो एक तरफ यूँ है और ये पूरा मिरर सीमेट्री कहलाती है और ये नेचर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है अभी इसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ दो मिनट ठहर जाएँ देन फिर आपके पास डायगनल सीमेट्री आ रही है डायगनल सीमेट्री भी वही चीज़ है जस्ट लाइक डायग्नली रिफ्लेक्टेड है या यूँ भी कह सकते हैं कि डायग्नली आप ऑब्जेक्ट्स रख लें ज़रूरी नहीं कि रिफ्लेक्टेड हो कहने का मकसद है कि अगर आप इसमें देखें तो ये सारी सीमेट्रीज़ यूज़ होती हुई नज़र आ रही है ठीक है एंड देन वी हैव रेडियल सिमेट्री अब रेडियल सिमेट्री और मिरर सिमेट्री ये आपके पास नेचर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है यानी कुदरत की तमाम चीज़ों में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एप्पल को हॉरिजोंटली काटें तो आपको बहुत आराम से दिखेगी कि एक रेडियल सिमेट्री है लेकिन अगर आप एप्पल को वर्टिकली काटें तो आपको मिरर सीमेट्री दिखेगी अब ये सिर्फ एप्पल पे नहीं होता आप ऑरेंज को काट लें या किसी भी फ्रूट को काट लें ऊपर uh, से काटेंगे तो आपको मिरर सिमेट्री दिखेगी लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली uh, काटेंगे एक्स एक्सिस पर काटेंगे तो आपको रेडियल uh, सिमेट्री दिखेगी ना याद रखिएगा ये सिमेट्रीज क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर अभी एग्जांपल्स डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं किस तरह से ये हमारे डिज़ाइन में काम आती हैं और ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि क्यों बताई जा रही हैं आपको ताकि आप जब कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये आइडियाज़ मौजूद हों कि यार मुझे बैलेंस करना है तो मैं डेफिनेटली इनमें से कोई एक चीज़ यूज कर सकता हूँ जो मेरे आपके अपने डिज़ाइन के लिए बेहतर हो ठीक है नाउ इसके बाद आती है ए सीमेट्री वाओ ए सीमेट्री क्या चीज़ है uh, एक ऐसा बैलेंस जो कि विजुअल बैलेंस हो याद रखे कि विजुअली और वेट में डिफरेंस है सही है देखने में बैलेंस लग रहा हो सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी सी चीज़ है उसको चंद छोटी चीज़ों ने बैलेंस किया हुआ है ना इसकी एक बहुत अच्छी सी एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखी होगी तराजू और या फिज़िकल बैलेंस जिसमें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक किलो आलू ले रहे हैं या एक किलो एप्पल्स ले रहे हैं एंड क्या किया जाता है कि एक तरफ आलू या एप्पल या जो भी फ्रूट आप ले रहे हैं या जो भी चीज़ सब्ज़ी आप ले रहे हैं वो रखी जाती है और वो ज़्यादा जगह घेरती है ऑन दी अदर हैंड काउंटर वेट जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है सो so, एक किलो का वेट जो होगा वो बहुत छोटी जगह घेर रहा होगा एंड दूसरी तरफ जो है वो ज़्यादा जगह घेर रहा होगा तो विजुअली देखा जाए तो uh, अजीब लगता है कि ये एक छोटी सी चीज़ बड़ी सी चीज़ को बैलेंस कर रही है लेकिन विजुअल वेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट विजुअली आप अगर आप इस वाले में देखें तो क्या हो रहा है कि एक बड़ा सा सर्कल है जो कि तीन छोटे सर्कल्स के साथ बैलेंस किया गया है ठीक है एंड सिमिलरली इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो एक बड़ा ऑब्जेक्ट एक छोटे ऑब्जेक्ट से बैलेंस हो रहा है ना इस वाले में आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि इन दोनों का कलर डिफरेंट है ये लाइट कलर है ये डार्क कलर है विजुअली हमेशा याद रखिएगा कि डार्क कलर ज़्यादा हैवी दिखता है एंड लाइट कलर जो है वो आपको लाइट वेट दिखता है इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ बड़ी साइज़ से बैलेंस हो सकती मतलब बड़े साइज़ की लेस इंपॉर्टेंट चीज़ छोटे साइज़ की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ को बैलेंस कर सकती है और इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने कई बार देखी होगी कि, कि आ, किसी एड में या प्रिंट ऐड में सही है आपने देखा होगा कि लिपस्टिक एक जगह छोटी सी रखी हुई है एंड देन बड़ा सा फेस सुपर मॉडल का आया हुआ है अब ऑब्वियसली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो लिपस्टिक थी ना कि वो सुपर मॉडल या परफ्यूम का अगर आप देख लें मैगजीन्स में एड्स आते हैं या रिस्ट वॉच का एंड इस तरह से कई सारे एड्स में आपने ये वाला बैलेंस देखा होगा एसेमेट्रिकल बैलेंस इसके अलावा मूवी पोस्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सो मैं आ, कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पर मूवी पोस्टर्स में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा All right. so uh, let's see uh, graphic design में या especially movie के posters में symmetry आपको कब कब दिखती है So अगर आप यहाँ देखें तो आपको बहुत clearly ये Star Wars का एक poster है and इसमें आपको बहुत uh, clearly mirror symmetry दिख रही है right? ये आपकी पूरी मिरर सिमेट्री अगर आप पूरा ऊपर से नीचे तक देखें वर्टिकली तो इट्स मोर लाइक अ symmetry बट mirror. और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है यार ये ठीक है आ, ये भी एक अगर आप देखें तो इसको बिल्कुल हाफ़ अगर हम कर लें सही आ, मैंने कुछ मूवी पोस्टर्स इसीलिए डाउनलोड किए ताकि आपको जब तक मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊंगा आपको चीज़ें समझ में शायद ना आए बट यस ये डिज़ाइन अगर आप देखें तो ये भी पूरा सिमेट्रिकल डिज़ाइन है जिस तरह का कर्व यहाँ पर आ रहा है उसी तरह का कर्व यहाँ पर आ रहा है एंड ऑफ कोर्स दे टुक द एडवाटेज ऑफ फेस फेस हमारा मिरर सीमेट्री होता है ठीक है ओके okay. न ये ब्लैक सोन का फिर से मरर सीमेट्री राइट आ, ओके घोस बस्टर्स ये अगर आप देखें तो पाँच कैरेक्टर्स हैं और इनकी प्लेसमेंट्स कुछ इस तरह से हुई है कि ये आपको मरर सीमेट्री बनाते हुए देख रहे हैं। सो अगर मैं हाफ़ करूँ तो एक दो यहाँ पर है एक दो यहाँ पर है इन सो ऑन नाउ ये ऊपर जो है आपका ये क्यों आ रहा है इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में एसिमेट्री के अंदर तो इस पोस्टर में आपको सिमेट्री और एसिमेट्री दोनों है दिख रही उसको भी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आगे चलने दें एक और एग्जाम्पल इंसेप्शन का पोस्टर अगेन सिमेट्रिकल बिल्डिंग्स के थ्रू सिमेट्री क्रिएट की गई है और लियनारो डिकैप्रियो का जो बैक पोज है ये सीमेट्रिकल है आपका सही है एंड दीज थिंग्स क्रिएट हेल लॉट ऑफ बैलेंस और बहुत खूबसूरती एक आ रही होती है ना कोर्स हमारे जो ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं उसमें एक और चीज़ है कंट्रास्ट उस पर भी हम बात करेंगे लेकिन आज की क्लास में नहीं आगे इन वेनम ये भी इसमें भी आ, आपकी सिमेट्री आ रही है अगर आप इस वेनम को देखें तो ये पूरा हाफ़ यूँ है हाफ यूँ है एंड पीछे अगर आप देखें तो ये जो आ, कलर्स के बार्स जा रहे हैं राइट एंड ब्रिज यहाँ पर आ रहा है तो डिस्ट्रक्शन यहाँ दिख रही है एंड पुलिस यहाँ दिख रही है एंड सो ऑन दी साइलेंस ऑफ द लैम्ब बेहतरीन पोस्टर वन ऑफ द बेस्ट पोस्टर दिस इज़ अगेन अ सिमेट्रिकल पोस्टर ये वाला भी अगर आप देखें तो ये भी सिमेट्रिकल पोस्टर है ठीक है स्काईफॉल uh, यस yes. ये अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कौन सी सिमेट्री यस दिस इज़ रेडियल सिमेट्री एंड समाइम्स uh, हम रेडियो सिमेट्री को भी फायदे में ले सकते हैं इससे भी फायदा उठा सकते हैं दिस इज़ अमेजिंग पोस्टर बहुत ही ब्रिलियंट एंड यस इसके अंदर कंट्रास्ट का भी बहुत ज़्यादा खेल है सही है सो so, कंट्रास्ट किसी चीज़ को एम्फेसिस करने के लिए यूज़ होता है ऑफकोर्स यार मगर ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है डेफ़िनेटली इसको हम आगे चल के जरूर देखेंगे uh, शौशंक ट्रेडम्शन अरोनो uh, अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी है या नहीं देखी है बट यस दिस इज़ अमेजिंग दिस इज़ वन ऑफ़ दी बेस्ट मूवी सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो कि सीमेट्री की थी राइट एंड सीमेट्री के साथ साथ इसमें दो चीज़ें जो हो रही हैं बार बार एक तो कंट्रास्ट हो रहा है और समटाइम्स ए सीमेट्री एक ही डिज़ाइन में आपको देखने को मिल रही है वो किस तरह से ए सीमेट्री है सो लेट्स स्टार्ट विद ए सीमेट्रिकल डिज़ाइंस ना ये आपका है तो सिमेट्री अगर आप गौर से देखें तो वही डायगनल सीमेट्री आपको यहाँ पर मिल रही है लेकिन यहाँ पर आपके जो कैरेक्टर्स हैं इट्स दिस इज़ दी लाइक ये यूजुअली मूवीज़ में जो एक्टर्स के फेसेस दिखाते हैं तो ये कमर्शियल एस्पेक्ट होता है कि हाँ जी इनके फेस देख करके लोग आएंगे एंड उसके अलावा फिर यहाँ पर टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की ग्रिड बनी हुई है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा है बट देन अगर गौर से देखें तो ये वाला पोर्शन काफ़ी हैवी लग रहा है इसके मुकाबले में और ये बड़े साइज में है राइट दिस इज काइंड ऑफ सिमेट्री प्लस ए सिमेट्री ठीक दूसरा ये डिज़ाइन अगर आप फ्लॉलेस का देखें तो यहाँ पर अगेन जो कैरेक्टर्स हैं एक हैंड है एंड uh, uh, ये वाला पोर्शन और ये ब्लैक वाइट एरिया वाइट स्पेस इसके थ्रू ये बैलेंस हो रहा है काइंड ऑफ ए सीमेट्री बट अमेजिंग ए सीमेट्री अगर इसको यहाँ से देखें और यहाँ इस डायमंड को देखें तो बेसिकली ये वर्टिकली आपका ए uh, सीमेट्री uh, हो रही है मतलब दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट स्टफ़ एंड दिस इज़ लेस इम्पॉर्टेंट ऑल दो कैरेक्टर्स हैं इम्पॉर्टेंट जरूर हैं ये लोग भी लेकिन इसमें अगेन फिर भी आपको बहुत सारी सीमेट्रीज नज़र आ रही हैं अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर अब देखें यहाँ पे यहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स ठीक है और बहुत छोटे साइज में एंड दूसरी साइड पे थेनोज सारे के सारे सुपर हीरोज एक Thanos से बैलेंस हुए हुए कोर्स ही वाज़ ए सुपर वेलन एंड यू कैन सी यहाँ पर एमेट्री किस तरह से काम कर रही है नेक्स्ट वन ऑफ माय फेवरेट फाइंडिंग नीमो अगर अब इस शार्क को देखें तो ये आपका सिमेट्रिकल बैलेंस है लेकिन ए सीमेट्री कहां से आई इसके अंदर वेल well, वेलन is less important heroes are more important so ये अगर मर्लिन और डॉरी को अगर आप देखें बहुत छोटे साइज में यहाँ पर हैं लेकिन इनको ऊपर बैलेंस किया गया है एक बड़े साइज़ की लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ से जो कि विलेन है शार्क आई बिलीव आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी और नहीं देखी तो यार देखो क्यों नहीं देख रही है यार ये मूवी एनी देन आपके पास आ रहा है फिर से घोस बस्टर अब देखें ये वही चीज़ जो यहाँ पर आपने देखी थी कि या इवन यहाँ पर आपने देखी थी कि बहुत सारे एक्टर्स जो है एक आ, हैं एक था से बैलेंस हुए हुए हैं एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो वही डॉरी एंड शार्क एंड देन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये घोस्ट बस्टर्स की टीम और पीछे एक घोस्ट है दिस इज़ क्रिएटिंग ए सीमेट्री याद रखिएगा कि ये अगर आप वर्टिकली देखें तो यहाँ पर आपको ए सीमेट्री दिख रही है ठीक है ओके okay, आगे बढ़ते हैं फिर से वही वैनम एंड इसमें जिस तरह से मैंने कहा था कि आपके पास मिरर सिमेट्री मौजूद है लेकिन अगर आप इस पोस्टर को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लें ठीक है हॉरिजॉन्टल डिवाइड करने में आपको यहाँ दिखेगा कि मेन कैरेक्टर्स uh, जो हैं वो यहाँ पर वो बैलेंस हुए हुए हैं बड़े साइज के मॉन्स्टर से जो कि वैनम था शॉशिंग रेडम्शन अब नाउ आई डोंट नो आप लोगों ने ये फिल्म देखी है नहीं लेकिन uh, अगर नहीं देखी तो देखो क्योंकि uh, ये बहुत हाईली रेटेड मूवी है हाईली हाईली अमेजिंगली बहुत ही एक्सेलेंट मूवी है शॉशनिक रेडम्शन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये दो लोग जेल में हैं एंड यहाँ नीचे जो हीरो है वो आज़ाद है अब और से देखें तो इसमें ए सीमेट्री कहाँ से आई ए सीमेट्री इसमें देखें यहाँ पर क़ैद है राइट प्रिजन प्रिजन को छोटे साइज़ की फ्रीडम से बैलेंस किया गया है प्रिजन बड़ी है बड़े साइज़ में है फ्रीडम छोटे साइज में और यस ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं सो so, ऊपर नीचे अगर देखा जाए तो ये ए सीमेट्री है लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये यह आपका सीमेट्री बन रही है सो आई बिलीव आप लोगों को काफ़ी हद तक आ, ये आइडिया मिल गया होगा कि सीमेट्रिकल बैलेंसेस और ए सीमेट्रिकल बैलेंसेज किस तरह से आपके डिज़ाइन में आ, काम कर रहे होते हैं आई होप आप लोग भी जब कुछ चीज़ें बनाएंगे तो अब इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचेंगे अगर ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो थैंक यू